हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं रानतर, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द बॉम्ब कनेक्शन पर। आज मैं रिएक्ट करने वाला हूं कोटा फैक्ट्री के सीजन 2 के ऑफिशियल टीजर पर, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रहा है। आई एम रियली 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 एक्साइटेड अबाउट दिस। मैंने पहला सीजन देखा है, इट वॉज ब्रिलियंट। आई कैन नॉट वेट टू वॉच जीतू भैया इन एक्शन अगेन। यस, द लेजेंडरी कैरेक्टर विद हिज स्टूडेंट्स आर बैक, एंड लेट्स सी द स्ट्रगल्स ऑफ दीज आईटी स्टूडेंट्स इन 3, 2, 1 एंड गो। एक हफ्ता हो गया सेशन स्टार्ट हुए, फिजिक्स की क्लास ही नहीं हो रही है। आज फिजिक्स की क्लास थी तो आपने दूसरा टीचर भेज दिया। सर प्लीज, सर आप इन्हें हटा के जीतू भैया को लाइए। जितेंद्र कुमार इज नो मोर विद प्रोडिजी क्लासेस। क्या सर? ओके, आप पूछेंगे कैसे चली पढ़ाई तो कब तक झूठ बोलूंगा यार। कोई और इंजीनियरिंग एंट्रेंस कर लूंगा, ये सब नहीं होगा। मुझे इन सब चक्करों में नहीं पढ़ना है। कौन से चक्कर? ये सब डिस्कशन, आईआईटी क्यों करना है, ऐसा क्या है आईआईटी में? हाँ तो क्यों करना है आईआईटी, ऐसा क्या है आईआईटी में? आपको लगता है आपको थोड़ा लेट हो गया सब डिस्कस करने में? दूसरा साल चल रहा है आईआईटी प्रिपरेशन का, और अभी आपको ये डिस्कस करना है कि आपको आईआईटी क्यों करना है? सवाल लेट पूछा तो सवाल गलत हो जाता है क्या? वाओ, अब सपने देखोगे तो टूट ही जाएंगे। ये तो वर्ड यूज करना छोड़ो तुम लोग, सपना, एम बोलना शुरू करो। सपने देखे जाते हैं, एम अचीव किए जाते हैं। I'm getting goosebumps. लेट है पर अकेला नहीं है, एंड मोमेंट तक लड़ेंगे, आईआईटी क्रैक करेंगे। शुरू कर दे भाई वाले बकचोद। ओह गॉड, हुस योर गाय, ही इज फनी। पहली बात तो, ओह माय गॉड, दिस ब्रिंग्स बैक सो मेनी मेमोरीज फ्रॉम द फर्स्ट सीजन। लाइक कोटा फैक्ट्री इज ओरिजिनलिटी, दो इट्स येट अगेन अबाउट आईआईटी स्टूडेंट्स एंड हाउ दे आर स्ट्रगलिंग, हाउ देयर डे टू डे लाइव्स, हाउ दे आर ट्राइंग टू क्रैक दिस विद सो मच प्रेशर फ्रॉम एवरीवेयर, फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द फैमिली, फ्रॉम द पीयर्स। सो इट्स वंडरफुल द वे दे हैव पुट इन सो मच थॉट एंड सो मच you know story behind all the characters, and they're such beautiful characters, they stay with you, right? Aur ye sabse anokhi cheez baat anokhi cheez hai is pure show ke bare mein, jo ki mujhe bahut hi zyada you know personally touch karta hai. To ye wo log continue kar rahe hai, I can see that, you know, wo continue kiya hai unhone second season mein bhi. Hum log dekh sakte hain Jitu bhaiya ne wo jo prodigy classes the wo chhod diye hai, now wo khud ka jo main dekh sakta hu unka khud ka classes unhone start kiya hai. And not only that, sare students bhi struggle kar rahe hain, second year mein hai, they are trying to understand and figure out kya karna hai, kya karna hai. And we can also see new characters, ek naya banda hai jiska roommate hai. He is really funny, he is hilarious. I'm really happy that bringing in such, you know, raw talent, जो कि लोगों को पता नहीं है उनके बारे में, एंड वो लोग इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, इतनी नेचुरल है यार हर एक कैरेक्टर यहाँ पे, हर एक एक्टर जिन्होंने इसको भी चूज किया गया है इस शो के लिए, दे आर ब्रिलियंट। ओके, फीमेल कैरेक्टर्स, मेल कैरेक्टर्स, एवरीबडी इज डूइंग जस्ट अ फिनोमिनल जॉब। आई कैन नॉट वेट टू वॉच द शो अगेन, हैव माई life sorted because of this show. It brings a smile on your face and makes you ask such, makes you think about these tough and important questions. Sawal late ho gaya iska matlab galat to nahi ho jata. That particular dialogue was so hard hitting, it gave me goosebumps the moment I heard it, because sawal change nahi hota hai, right? Q IIT, why IIT, this is such a tough question and to answer, तो हम लोग को समझ में नहीं आता क्योंकि आधी से ज़्यादा ज़िंदगी हम लोग की कट जाती है aim decide करते करते, सपने decide करते करते। And then there was this particular line where जीतू भैया ने कहा कि ये सपने सपने देखना बंद करो, बोलो aim, क्योंकि aim लोगों का important होता है। सपने बदल जाते हैं लेकिन aim कभी भी life में change नहीं होता है, तो वो aim रखना चाहिए हम लोगों के लिए। It's about time that we start asking the relevant questions. Beautiful lines, yet again very hard hitting dialogues, beautifully portrayed. I cannot मुझे लग रहा है जैसे मैं रिव्यू दे रहा हूँ पार्ट टू का। तो मैं जरूर देखूंगा ये शो एंड जरूर आप लोगों को रिव्यू भी दूंगा, क्योंकि मैंने रिएक्ट किया ट्रेलर पर। आई कैनॉट वेट टू वॉच दिस मूवी, द सीरीज, सो एक्साइटेड गाइस। अगर आप लोगों को मेरा रिएक्शन पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कीजिए, नीचे कमेंट डालना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, हेल्प कीजिए मुझे फ्री के सब्सक्राइबर मार्क पहुंचने में। आप लोग बताइए आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है यहाँ से। जीतू भैया इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट फ्रॉम दिस whole show, of course, and apart from that, all the other characters are just amazing. So yeah guys, that was it. Main aap logo ko dobara milunga, tab tak ke liye ciao.